नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वादों का पिटारा करार दिया। बसपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा, क्या इस अवास्तविक बजट से यहाँ की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए। साथ ही मायावती ने कहा कि पिछड़ेपन एवं अराजकता आदि से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी एवं करने में अंतर से जनता के साथ विश्वासघात क्यों? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन बताया। अखिलेश ने कहा कि इसमें ना आज की समस्याओं का समाधान है और ना ही भविष्य के किसी फैसले को आगे लेकर जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। इस बजट ने किसानों, युवाओं, महिलाओं को निराश किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश में कोई नौकरी नहीं है, सरकार ने सभी MSME सेक्टर को नष्ट कर दिया है, उनके लिए किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की। साथ ही कहा कि व्यापार करने में आसानी लेकिन वास्तव में यह अपराध करने में आसानी है। प्रेस के अपने सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और ना भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी? कानपुर से सपा विधायक खाजी इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार कानपुर पुलिस का शिकंजा विधायक और उनके साथियों के खिलाफ कसता ही जा रहा है। अब पुलिस ने विधायक के 3 और साथियों मुरसलेन खान उर्फ भोलू उर्फ पार्षद मन्नू रहमान, सपा पार्षद और हाजी अज्जन पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी की है। इससे पहले भी इरफान समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। बीते दिनों में सपा पार्षद मन्नू रहमान ने आत्मसमर्पण किया था, तो वहीं पुलिस विधायक एंड कंपनी के सदस्यों की संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी जारी है। गैंगस्टर एक्ट के विवेचना में कुछ और भी लोग हैं जिनका इस गैंग से जुड़े रहकर काम किए जाने का दृष्टांत और एविडेंसेज हमें मिल रहे हैं। संभवतः ऐसे 3 और लोग हैं जो कि गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में समाहित किए जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, देखा जाए इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही इसको लेकर? जी, मैं बता दूं कि जब से इरफान सोलंकी आयकारजनी के मामले में फंसे थे, उसके बाद से लगातार उनपे मुकदमे बनते चले जा रहे थे, जिसके चलते एक इनके ऊपर एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 5 लोग थे। 5 लोगों में इरफान सोलंकी को इसको मुखिया बनाया गया था। साथ ही 3 और नए नाम इसमें जोड़ने का पुलिस ने बयान दिया है कि 3 और नए नाम जोड़े जाएंगे,
अब ये नाम कौन से हैं अब पुलिस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी और उनके जितने भी साथी हैं उनके उन पर कड़ा शिकंजा कसा चला जा रहा है और आने वाले समय पर इरफान सोलंकी और उनके साथियों की संपत्ति भी कुर्की की सूचना है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र में 7 साल की बच्चे की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने उसके 2 चचेरे भाइयों को मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों ने प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी प्रशांत के कब्जे से अवैध हथियार और हत्या में इस्तेमाल किया गया सरिया भी बरामद हुआ है। वो लड़की शायद जैसा इसका कहना है ये दबाव बनाती है इसके ऊपर कि यार तुम प्रशासन की जिस टीम ने इसको इन्वेस्टिगेट करके 48 घंटे में खुलासा कराया है बिल्कुल ये बहुत मेहनत से और ये ऐसी घटना जो जिसका बहुत होता बहुत से निर्दोष इसमें जेल जा सकते थे तो इस कारण से इसको बहुत सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करके और इस घटना का अनावरण करने वाली टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे पुलिस महानिरीक्षक परिषद बरेली परिषद महोदय को भी हमने पूरी घटना का तो क्या क्या चीज उसको क्या क्या चीज लाए क्या क्या कहाँ से सामान लाए फिर क्या किया फिर कितनी जगह छेद किए क्या बताया तंत्र बंद का दिखाना था तुमको हाँ क्यों मारा क्यों इसने बोला तुम मुँह बंद करो मैं इसके सिर पे उसके जिसम पे सूजा मार रहा हूँ मैंने सर इसका मुँह बंद कर दिया इसने सूजा मार दिया। अच्छा कहाँ से ये सब लाए थे आइडिया कैसे आया तुम सारा आइडिया सर इसने दिया। अच्छा कितनी जगह छेद किया और कहाँ कैसे सर एक तो मुझे नहीं पता ये सब हाँ हमीरपुर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के शव पेड़ पर लटकते देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। खजाने का जगह है अब काल सवेरे से हमारी रहेगी खजान है अब सवेरे आऊँ आज एक टीका है रिश्तेदारी तो मैं को मर ले आऊँ और सीट तो आए जो लोग लटके रहे जो यहाँ एक युवक और युवती उन्होंने गांव में फांसी लगा ली है तो मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो मौके पर ये पाया गया कि एक युवक जिसका नाम अनुज यादव है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और एक युवती जिसका नाम पिंकी है तो ये दोनों इनका आपस में हरदोई में पुलिस अभिरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हुए। दरअसल यहां एक युवक ने पुलिस की अभिरक्षा में ही अपनी गर्दन पर ब्लेड चला दिया। घायल को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस कुछ ही बताने से बच रही है कुछ भी बताने से मामले में पुलिस इतना बच रही है कि घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ग्राम में विमलेश पुत्र सुबेदार यादव और उनकी पत्नी पुष्पा यादव अपनी एक माह की बच्ची के साथ कमरे में सो रहे थे। अचानक कमरे में आग लग गई जिससे विमलेश व उनकी पत्नी पुष्पा जलने से गंभीर रूप से जल गए और उनकी पुत्री जलने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल विमलेश और तुम एक बार तुमने बता देते कि हम तुम्हारे खेत खोद देते हम अपने घर काट रहे। किस गांव रहते हो? चौधरिया। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, उन्होंने फसल खोद के सब्जी में भर दी रोड पे। अब बताओ अपने फसल तो काट लेते कम। ये क्या लगा है साहब? अपने अपने हाथ अपनी मत में दुआ करिए। कहाँ? थाने में। का है साहब? हम जीना देवरिया में सुरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी बाजार में गल्ला व्यापारियों के स्थानीय दबंगों ने पिटाई की है। व्यापारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसके बाद से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने थाने में मुकदमा दर्ज होने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की इसकी मांग की है। SP संकल्प शर्मा से की है। वही
पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा लिखित में देकर गुहार भी लगाई है उनसे। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें साथी दिखाई दे रहा कि कुछ दबंगों द्वारा लात घूसों से व्यापारी की पिटाई करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उनको मारपीट के 50,000 रुपए की लूट हुई है और पकड़ी बाजार चौकी के एसओ मनमानी पर उतारू है और किसी भी प्रकार से व्यापारी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं जगी है। आज सभी व्यापारी समाज के लोग एक सांकेतिक रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक देवरिया को एक ज्ञापन देकर के मांग की है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिले ताकि व्यापारी सुरक्षित रह सके। पकड़ी में ऐसा माहौल बन चुका है इन लोगों का कि ये दबंग किस्म के लोग हैं और इतनी दबंगें इन लोग की बढ़ गई कि व्यापारी को जाके जानलेवा हमला करना चाहते थे, ऐसा लग रहा था। पैसा भी उसका लूट के ले गए। उसके बाद मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के कारण व्यापारी के सहयोग में जब उतरा तो लोग मुझे भी प्रायः फ़ोन करके या कभी मिल रहे हैं रास्ते में तो धमका रहे हैं कि आप भी सुरक्षित नहीं रहें। अलीगढ़ के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता शव मिला है। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि दहेज को लेकर उनकी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर हंगामा कर रहे मायके पक्ष के लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। औरैया फम्फो थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर मजदूरों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक किशोरी समेत 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि छेड़खानी के विरोध पर पूरा विवाद हुआ था। घटना में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कौन लड़का है? क्या नाम है लड़के का? धनराज। अच्छा, कहाँ रहता है? यहीं पर रहते हैं, निकल भारती पे। अच्छा, परेशान करता है? हाँ। अच्छा, ये क्या? नहीं, तमाशा बढ़ाए रात। ठीक है। एक मुकेश भारती भट्टा है, इस पे ईंट पाटने वाले मजदूरों में झगड़ा हो गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे गई, वहाँ देखा कि एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। इनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। जो आरोपी पक्ष है उनके 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय बजट को जनता के हित में बताते हुए केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की है। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि देश में 50 एयरपोर्ट के लिए सरकार वचनबद्ध थी, जिसमें से 9 एयरपोर्ट यूपी में संचालित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जबकि रोजगार के अवसर देने के लिए MSME में 9,000 करोड़ का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि ग्रामीण अंचलों के साथ शहर में भी रोजगार लोग अपने हिसाब से पा सकते हैं। इतना ही नहीं, एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसी को भी भूखा नहीं मरने दिया। देश और प्रदेश की जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, इसलिए बजट आम आदमी का बजट है, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए संभावनाएं हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान विशेष तौर पर शामिल किया गया है। मेरे राजनीतिक जीवन के 6 कार्यकाल में मैं इस बजट को सबसे अच्छा बजट मानता हूं, क्योंकि ये बजट सर्वव्यापी है और सर्वग्राही है और सर्वस्पर्शी है। इसमें क्षेत्र को भी बैलेंस किया गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का भाजपा शासित राज्य या भाजपा शासित राज्य नहीं है, समान व्यवहार करते हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करने के लिए ये बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और मैं निजी तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय के नंद गहराइयों से स्वागत भी करना चाहूँगा और अभिनंदन भी करना चाहूँगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस, वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। के बाद स्वागत है आप सबका, बढ़ते हैं खबर की ओर। योगी सरकार ने सदन में 2023 और 24 का बजट पेश किया। 7,00,000 करोड़ रुपए का यह बजट कई लोगों के लिए उम्मीद लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में महिला युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ नई अवस्थापन और विकास परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ऐलान किया था कि यूपी अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश के अनुसार प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने कल्याणपुर के आदिल नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध अपार्टमेंट को सील कर दिया है। प्रवर्तन जोन के 5 के प्रभारी जोनल अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि सिराज अहमद, मलिक फैसल और अन्य द्वारा कल्याणपुर पश्चिम के आदिल नगर में 10,000 वर्ग फीट के भूखंड पर लगभग 8,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में भूतल समेत 5 मंजिल का निर्माण करते हुए फ्लैट बनाए गए थे, जिसके खिलाफ विहित न्यायालय में बाद संख्या में 421/2022 आयोजित किया गया था। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया और चोरी छिपे निर्माण कार्य कराया जाता रहा। वहीं अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि यहां आरएसएस का दफ्तर खोलने की जो खबर मिली थी वो फर्जी निकली है। ये खबर चल रही थी कि यहां आरएसएस का दफ्तर खोलने वाला है। फर्जी अफवाह फैलने के बाद प्रांत प्रचारक अशोक दुबे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 505/66A और 66F में मुकदमा दर्ज हुआ है। खबर अलीगढ़ से है, जहां देर रात बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने मरीज को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जिनको पुलिस तत्काल पुलिस द्वारा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और मलका अस्पताल के लिए यहाँ पर रवाना किया, डॉक्टर का नियुक्त किया गया, इलाज करवाया गया।
रुक्मणी धाम कुदरकोट की 84 कोस परिक्रमा कर रहे साधुओं का एरवा कटरा से हुआ भव्य स्वागत किया गया और इस यात्रा में शामिल सभी संतों का कस्बा के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह यादव और पवन यादव सहित कई लोगों ने साधुओं को फूल माला पहनाकर जलपान ग्रहण कराया। चौरासी कोस का परिक्रमा है, श्री रुक्मणी धाम से ये प्रारंभ होता है। श्री माता रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार यहाँ कुदरकुंदनपुर में हुआ था और वहाँ से उनकी रुक्मणी धाम की यात्रा के लिए ये सभी संतों ने प्राचीन संस्कृत को उज्ज्वल करने के लिए ये परिक्रमा चालू की है और उसी में हमारे सभी संत भगवान का, संतों का योग है, गुरु महाराज का आशीर्वाद, रुक्मणी माता जी की असीम अनुकंपा से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है और यहाँ पे वापस लौट के आके अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।